बागेश्वर पहुंचे कुमाऊं कमिश्नर। अपने 2 दिवसीय जनपद भ्रमण कार्यक्रम पर पहुंचे कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने बागेश्वर पहुंचकर बागनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। इस अवसर पर उनके द्वारा विभिन्न मंदिरों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने कहा कि बाबा बागनाथ का आशीर्वाद उन्हें हमेशा मिला है। वहीं बागेश्वर का पहले की अपेक्षा काफी विस्तार हुआ है, कई चीजें बदली हैं जो व्यवस्थित और काफी साफ सुथरी भी हैं। उन्होंने कहा कि विकास के लिए एक बेहतर प्लान और नियोजन की आवश्यकता होनी चाहिए। मंडलायुक्त श्री रावत ने कहा कि जनपद के विकास में जो इकाइयां होनी चाहिए वह इस जनपद में पहले से ही मौजूद है, चाहे कौसानी जैसा हिल स्टेशन पर्यटन स्थान हो या गरुड़ जैसी वैली, प्रसिद्ध ग्लेशियर हो या ऐतिहासिक मंदिर। उन्होंने कहा कि जनपद में कई और विकास कार्य भी किए जा रहे हैं, उनके बेहतर क्रियान्वयन पर जोर दिया जाएगा। अब देखिए, बागनाथ जी का तो हमेशा मुझे आशीर्वाद मिला है और इसलिए आज मैं जनपद में हूँ, तो सबसे पहले यहीं पर आया हूँ। काफ़ी पहले से चीज़ें बदली हैं और बहुत सुव्यवस्थित हैं, सिस्टमैटिक हैं। शहर पहले से साफ भी दिख रहा है, हालांकि काफ़ी फैल भी गया है। तो एक तो ये बात भी है कि इसके बाद जितनी चीज़ें हों प्लान्ड हों, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम विकास तो करते जाते हैं लेकिन फिर दिक्कतें आती हैं, तो अच्छा नियोजन की भी आवश्यकता है। दूसरा, बागेश्वर में मैं हमेशा से मानता हूँ कि जितनी वैरायटी एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर होनी चाहिए, जैसे कौसानी जैसा हिल स्टेशन हो या गरुड़ जैसी वैली हो या फिर ग्लेशियर्स हो, हिस्टोरिकल टेंपल्स हो, सब कुछ एक साथ है, बहुत ही अच्छा, मतलब डेवलपमेंट के लिए जितना पोटेंशियल होना चाहिए पहले से ही मौजूद है, जो कि बहुत हद तक टैप भी हुआ है। और इस बीच और भी कुछ अच्छा काम मुझे बताया गया यहाँ पे हो रहा है, उसको भी मैं देखने आया था। और कल भी मैं डिस्ट्रिक्ट में ही रहूँगा और यहाँ पे जो विकास कार्य हो रहे हैं उनकी समीक्षा करूँगा, कहीं भी कोई दिक्कतें हैं तो उसमें क्या सुधार हो सकता है। रिपोर्ट सुभाष पिमोली, अध्यक्ष पीपीए।